जय श्री राम दोस्तों, आज है मेरा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का डे 7th और मैं उठा, थोड़ा सा वीकनेस हो रही थी बट कोई बात नहीं। उठते ही मैंने अपनी कंडीशन चेक करी, सब कुछ ओके, रिपोर्ट चल रहा है ये देखिए। उसके बाद मैंने लिया 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड उसके बाद पानी पी के मैं फ्रेश होके अब मैं रेडी हो गया। एंड बाहर का नज़ारा बड़ा ही अच्छा था, खिली खिली सी धूप। और उसके बाद मैं चल दिया पूजा करने। पूजा करके डेली की तरह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया एंड उसके बाद वाटर दिया प्लांट्स को। ये गाइस डेली करते हैं। गाइस मंडे न्यू डे एंड मैं रेडी हूँ। सेम ब्रेकफास्ट ओट्स एंड उसमें ये डाल रहा हूँ मैं सम रेजिन्स एंड माय फेवरेट बंजीर। तो चलिए गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस हो गया हूँ मैं रेडी चलने के लिए, ये रहा मेरा बैग और चलो फटाफट निकलते हैं। ये है शीरू, आज पता नहीं इसका खाने का मन नहीं करता बिस्किट, फिर भी मैंने इसको बिस्किट दे दिया कि मेरे पास से तभी आता है जब बिस्किट इसको खाने होते हैं। एंड फटाफट अपने शूज़ निकाले और हेलमेट पहन के मैं अब हो गया हूँ रेडी। तो चलो यार फटाफट चलते हैं। ये निकल के कहाँ है बाइक ये रही। चलो गाइस फटाफट निकलते हैं। टाइम पे तो नहीं हूँ बट 10-5 मिनट का फ़र्क है क्योंकि ट्रैफिक भी मिलता है रास्ते में। एंड फटाफट में पहुँच गया अब जिम। एंड जिम पहुँच के आज हमने किया जतिन का वर्कआउट था बैक का एंड कुछ ये आप एक्सरसाइज देख रहे हैं जतिन की, बैक की एक्सरसाइज है। एंड ये कुछ एक्सरसाइज जो देख रहे हैं आप बाइसेप्स की। तो जतिन को वर्कआउट करा के मैं अब निकल गया हूँ अपने जिम की तरफ। एंड जिम आके मैंने अगेन अपना बनाना इंटेक किया एंड मैं फिर रेडी हो गया हूँ आज के वर्कआउट ऑफ द डे के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज है मेरा लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट, डे 7 आज हम कर रहे हैं। डे 7 में आज मेरा लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट। जिन्होंने पुराने वर्कआउट वीडियोस नहीं देखी, ये चल रही है मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ और आज मैं कर रहा हूँ लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट। पहले कर लेते हैं फटाफट वार्म अप और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस चलिए मैंने किया साइकिलिंग 10 मिनट क्योंकि लेग्स का वर्कआउट था। तो गाइस ब्लड फ्लो होना लेग्स में बहुत ज़रूरी है, तो मैंने किया 10 मिनट साइकिलिंग एंड उसके बाद फिर वही यार थोड़ा सा शोल्डर में डिस्कम्फर्ट है बट चलिए। उसके बाद मैंने की सम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग, आप देख सकते हैं गाइस। जब भी आप लेग्स का या कोई भी बॉडी पार्ट करना है स्ट्रेचिंग करना मत भूलिए, मैं डेली बताता रहता हूँ। ये कुछ क्वाड्स की स्ट्रेचिंग, आप स्ट्रेचिंग भी देख सकते हैं बैक टू बैक। मैं इनको परफॉर्म करता हूँ कम से कम 10 मिनट के लिए। आप इन एक्सरसाइज को प्रॉपरली वॉच कर लीजिए, इन स्ट्रेचिंग को प्रॉपरली वॉच कर लीजिए और ऐसे करके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप स्ट्रेचिंग करेंगे, जितने टाइम तक स्ट्रेचिंग करेंगे, आपका रेंज ऑफ मोशन इतना इम्प्रूव होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा इम्प्रूव होगा, ताकि आपका जो मसल मास इंक्रीज करने में ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो चलिए गाइस मैंने अपनी स्ट्रेचिंग पूरी कर ली एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि है लेग एक्सटेंशन। इसके मैंने किए 4 सेट्स विथ 20-20 रेपिटेशन। गाइस इस एक्सरसाइज को आप फर्स्ट लेके चलिए एंड उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज थी मेरी पावर बेल स्क्वाट्स। इसमें मेरा स्टांस आप देख सकते हैं, फुट मेरे स्ट्रेट हैं एंड इसके भी मैंने 4 सेट्स परफॉर्म किए। मैं सारी एक्सरसाइज की गाइस 4 सेट परफॉर्म कर रहा हूँ विथ 15-20 रेपिटेशन के साथ। एंड उसके बाद मैंने परफॉर्म किया लेग प्रेस विथ 30-30 रेपिटेशन। इसके भी मैंने 4 सेट्स परफॉर्म किए
एंड आप भी इसके फोर सेट परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मैंने किया सीटेड लेग कर्ल, इसके भी मैंने फोर सेट्स विद 20-20 रेपिटेशंस किए। कॉन्ट्रैक्शन में आप एक्सहेल करें एंड जब रिलीज कर रहे हैं तो आप इनहेल करें। फिर उसके बाद गाइस केबल में मैंने स्टिफ लेग फॉर योर हैमस्ट्रिंग ये परफॉर्म किया मैंने, जिसमें 30-30 रेपिटेशन के मैंने फोर सेट्स परफॉर्म किए। एंड देख रहे हैं आप स्टेप पर मैं खड़ा हूँ मैं, ताकि इसमें बहुत अच्छा हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा लोड आता है। देन उसके बाद गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सीटेड काफ, इसके भी मैंने फोर सेट्स विथ 20 रेपिटेशंस परफॉर्म किए। एंड ये थी मेरी एक्सरसाइज लेग्स की लास्ट एक्सरसाइज। एंड उसके बाद गाइस थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है शोल्डर में स्कैपुला में, ये स्टिक से काफ़ी जो है जॉइंट ओपन हो जाता है मेरा, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी मैं अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अभी मेजर इशू था मेरा शोल्डर का, बट कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी इस माय साइड लेटरल, एंड इसके साथ मैं गाइस सुपर सेट परफॉर्म कर रहा हूँ, जिनके दोनों के मैं फोर फोर सेट परफॉर्म करूँगा विद हायर रेपिटेशन इज 20-25। अभी हायर रेपिटेशन करने का ये मतलब है इससे मेरी माइंड मसल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चल और इम्प्रूव होगी। फिर उसके बाद रियर डेल्ट के लिए मैं कर रहा हूँ फेस पुल, एंड फेस पुल में वही आप देख रहे होंगे अभी तो फैट परसेंटेज बॉडी की ज़्यादा है, बट जैसे जैसे हम लोग पास आते रहेंगे 90 डेज के, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बीच में गाइस पानी पीना मत भूलिएगा, सब कुछ 4-5 लीटर कम से कम पानी आप डेली का इनटेक कीजिए। उसके बाद गाइस बैक टू बैक मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, ये दोनों एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी रेडल की विद सुपर सेट्स। ये है रेडल फ्लाई, उससे पहले मैंने किया था फेस पुल, एंड इसके भी मैं 20-20 रेपिटेशन परफॉर्म करूँगा। देन उसके बाद गाइस सीटेड मशीन प्रेस हायर रेपिटेशन 15-20 विद लाइट वेट, ज़्यादा मैं हैवी लिफ्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे को शोल्डर में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। देन उसके बाद इसके साथ मैं ऑल्टरनेट परफॉर्म करूँगा इस फ्रंट रेजेस विद डम्बल्स, इनके भी मैं 20 रेपिटेशन विद फोर सेट। नाउ माय लास्ट एक्सरसाइज इज श्रग्स, जो कि मैं डम्बल्स के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड इसके में मैक्सिमम रेपिटेशन 20 परफॉर्म। देन उसके बाद फॉर एब्स मैं अलग कर रहा हूँ लेग रेजेस, उसके बाद हिप रेजेस, इन सब के गाइज मैं 4-4 सेट परफॉर्म करूँगा विद 20-20 रेपिटेशन के साथ। देन उसके बाद सीटेड नी टक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फुल सेटअप्स ऑन एब बोट। सो गाइज एब्स भी ज़रूरी है, मसल एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एब्स भी मैंने नहीं किए थे। देन उसके बाद सम रोप क्रंचेस, गाइस ये भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, अगर आप इसको भी परफॉर्म करते हैं तो। सो गाइस लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट डे 7 का हो गया मेरा ओवर। थोड़ा बहुत रेपिटेशन में और थोड़ा सा वेट में मैंने वेरिएशन की थी, थोड़ा सा ऐड किया था वेट मैंने, थोड़ा सा चैलेंज अब आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, आज 7 दिन हो गए मुझे, तो डाइट में वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैलोरीज डिफ्लेट होने की वजह से मुझे थोड़ा सा वीकनेस अब फील हो रही है, बट कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी है, वर्कआउट तो करना है। गाइस अपडेट कर दूँ कि जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, ये चल रही है मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आई एम वॉय ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फेसबुक पेजेस महेश नेगी, एंड मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जिसको भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी तो मुझे DM कीजिएगा मेरे इंस्टा हैंडल पे, हमारे इंस्टा हैंडल महेश फिटंडा। तो चलिए गाइस प्यार बना के रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। हेलो तो फ्रेंड्स,
मैं स्कूल में आ चुका हूँ और अभी मेरे एग्जाम पेपर आएंगे। तो आज बिहान की पेरेंट टीचर मीटिंग है और हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं स्कूल में, देखते हैं बिहान ने कितने स्कोर लिखे आए। अच्छी लिखे आऊंगा। गाइस विहान की पीटीएम हो गई है ओवर और विहान को मिल रही है ट्रीट। तो गाइस मैं डाइट पे हूँ लेकिन कभी कभार चलता है तो थोड़ा सा एक बाइट लिया मैंने, अब ज़्यादा नहीं खाऊंगा और अब चलते हैं लंच करेंगे हम। चलो ओके बाय बाय, मिलते हैं आपको। गाइस हो गया लंच टाइम और लंच टाइम में माय फेवरेट राजमा एंड राइस। गाइस हो गया है जिम जाने का टाइम और उससे पहले हमेशा की तरह मैं ले रहा हूँ आज मिल्क, तो चलिए मिल्क पीते हैं फिर निकलते हैं। अब मैं आ गया हूँ जिम और जिम में देखते हैं कौन लोग क्या क्या कर रहा है। इस हो गया मेरा डिनर टाइम। आज की डाइट थोड़ा सा चेंज रहेगी, इसमें है आज आलू की सब्जी, रोटी आज एक ही लूँगा एंड साथ में थोड़ा सा स्वीट्स ले रहा हूँ आज हलवा। सो बेसिकली आप भी ये कर सकते हैं बट आपको पोर्शन साइज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप भी फैट लॉस वेट लॉस या किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं। सो चलिए मैं करता हूँ इन्जॉय अपना मील ऑफ द डे, लास्ट मील ऑफ द डे, तो चलिए मिलते हैं आपसे। सो गाइस आज का दिन भी हो गया ओवर, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहा सब कुछ बट थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो चलिए अब मैं सोता हूँ, सबको गुड नाइट और चलिए मिलते हैं आपसे कल यानी कि डे 8 में। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।